जीके फॉर एग्जाम इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्जाम इन हिंदी में। अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ टिक कर लीजिए ताकि आप हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। फ्रेंड्स, आज हम जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कर रहे हैं, हम पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो ये टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टेट के लिए। अगर आप हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके इस एग्ज़ाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न एक। मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राम। प्रश्न दो है, जोशी सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण है? तो इसका उत्तर है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। प्रश्न तीन है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता कहलाती है मार्गदर्शन। प्रश्न चार, उद्देश्यों की दृष्टि से कौन सा शिक्षण का एक प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर है कलात्मक शिक्षण। प्रश्न पाँच, ऑलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्तित्व को किस रूप में माना? तो इसका उत्तर है जीव केंद्रित में। तो ऑलपोर्ट ने जो है अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में जीव में केंद्रित को जो है इसको माना था। प्रश्न छः है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली डैश द्वारा नैतिक शिक्षा देनी चाहिए? तो इसका उत्तर है सरल कहानियों द्वारा। अगर बालक को सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाए तो जो है वो उसको अच्छे से ग्रहण भी करते हैं और उसको जो है काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं। और तो इसका उत्तर है सरल कहानियों द्वारा जो है बालक को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न सात है, बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण की विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है इन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों की देखरेख तथा निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। प्रौढ़ होते हैं जो बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी देखरेख में जो है आगे बढ़ना चाहिए और उन्हीं के जो निर्देशन के अनुसार उनको प्रेरणा देनी चाहिए। फिर है प्रश्न आठ, बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तो सामाजिक समूह के जो प्रतिमान होते हैं उन्हें विकसित करना जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नौ, खेल क्रियाएं बालकों में किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती हैं? तो इसका उत्तर है जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। प्रश्न दस है, 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है? तो इसका उत्तर है लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते, मतलब जात पात पे वो कोई ध्यान नहीं देते, उन्हें ये समझ नहीं होती कि कौन सी जाति है। तो उनका सबसे मुख्य विशेषता क्या होगी, लिंग विभेद पर तो कोई ध्यान नहीं देते। प्रश्न 11, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है। तो हम भाषा का जो है अपने अनुभवों को जो है वे तो प्रकट करते हैं अपनी भाषा से। प्रश्न 12, जो बालक आज्ञा नहीं मानते उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण किया जाए। तो मतलब अगर वो कोई कार्य करता है तो अच्छा कार्य करता है तो उसकी ज़रूर प्रशंसा करनी चाहिए ताकि उसमें जो है सकारात्मक विचार जो है वो बढ़े, उसको बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न है 13, खोज पद्धति एवं अनुभाविक प्रयासों को बल दिए जाने हेतु उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन दो, माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर। प्रश्न 14, बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद उनके अंतः व्यक्तित्व संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं, इन द्वंद में निहित है? तो इसका उत्तर है स्नायु असंतुलन। प्रश्न 15, कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न में से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर है बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य। प्रश्न 16, निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका उत्तर है राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। तो प्रश्न 17, आपकी कक्षा एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है, उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि हो सकती है? तो इसका उत्तर है 20 सेकंड।
प्रश्न 18, आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो इसका उत्तर है, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया, मतलब उसे पता लग गया कि ये प्रश्न जो है किस प्रकार से हल होगा। प्रश्न 19, प्रेरणा के क्षेत्र में अंतर्नोद सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो इसका उत्तर है हल ने। प्रश्न 20, बालक में उत्पन्न वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, तो इसका उत्तर है अभिप्रेरक। प्रश्न 21, बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है कक्षा अधिगम को सुदृढ़ बनाना, तो मतलब जो उसे कक्षा में सिखाया गया है उसे और अच्छे से बच्चे को जो है उसे देना, ताकि बच्चा जो है उसे और अच्छे से सीख सके। प्रश्न 22, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालक बहुत क्रियाशील होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न 23, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका उत्तर है अधिक अभ्यास। जितना अधिक अभ्यास होगा तो लर्निंग जो है वो भी बहुत अच्छी होगी। प्रश्न 24, कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन एक है पढ़ाए जाने वाले विषय का विस्तार असीमित होना, ऑप्शन दो है पढ़ाए जा रहे विषय की रोचकता कम है, और ऑप्शन तीन है कक्षा में बालकों के बैठने की अव्यवस्था है, तो मतलब विषय में जो है रोचकता नहीं है, विषय में जो है वो रोचकता नहीं है, और जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था वो ठीक नहीं है, और ऑप्शन एक है पढ़ाए जाने विषय का विस्तार असीमित है। प्रश्न 25, जब एक बालक आपको देखकर बिल्कुल आपकी तरह व्यवहार प्रकट करता है तो आप इसे क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर है अनुकरण। प्रश्न 26, एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में कक्षा छः के शिक्षक के रूप में जाता है, कक्षा में जाते ही यह सभी बालकों के नाम पूछना शुरू कर देता है, इस क्रिया से शिक्षक को क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है बालकों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, मतलब टीचर और बच्चों के बीच जो है वो संबंध जो है वो बढ़ेगा। प्रश्न 27, एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर है उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे। प्रश्न 28, रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका उत्तर है रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। प्रश्न 29, बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका है? तो इसका उत्तर है बालक की अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। प्रश्न 30 है, किसी बालक को व्यवहार का उपयुक्त परीक्षण देने हेतु आप किसे सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं? तो इसका उत्तर है स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, तो बालक जो है तभी समझ पाएगा जब आप खुद जो है उसे अच्छे व्यवहार का उदाहरण देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई सजेशन सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।